शहरों की शोर शराबा से मीलो दूर कुछ ऐसे जगह भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे पहुँच के आपको लगेगा कि आप कोई दूसरे दुनिया में हो। यहाँ पे ना तो मिलता है लजीज खाना और फोन में नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं मिलता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। तो किन्नौर और स्पीति सीरीज के एपिसोड 12 में चलिए देखते हैं हमारे लिए आगे क्या इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, इन द प्रीवियस एपिसोड मैंने आपको दिखाया था वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कॉमिक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिकिम एंड द फॉसिल विलेज ऑफ लांगजा, जहां पे जुरासिक एज का फॉसिल्स देखने को मिलता है। और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले जाने वाले हैं एशियाज हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज पे, उसके बाद जाएंगे टू वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मॉनेस्ट्री इन द स्पीति रीजन, और लास्ट में जाएंगे एक ऐसे गांव में जो कभी कभी गलती से वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज भी कहलाता है। थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है चिचम ब्रिज, एंड दिस इज करंटली द एशियाज हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज। बस कुछ ही साल पहले का बात है जब ये एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज हुआ करता था। ये ब्रिज स्पीति का दो बहुत ही रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है। एक साइड में है किब्बर विलेज, जो हम आगे भी जाने वाले हैं, एंड दूसरे साइड में है चिचम विलेज। ये ब्रिज बनने से पहले किब्बर विलेज से चिचम विलेज जाने में एटलीस्ट 2 to 3 डेज का ट्रैक करना पड़ता था थ्रू अ डिफरेंट रूट, पर ये बनने के बाद से इट हैज बिकम वेरी इजी एंड इज जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। एंड ओवर हियर माय फ्रेंड्स, सामने ही दिख रहा है चिचम ब्रिज, विच इज एशियाज हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज, और अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरे साइड तक जाने वाले हैं। करंटली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द चिचम ब्रिज, दिस इज एशियाज हाईएस्ट ब्रिज, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज। Previously, it used to be world's highest altitude bridge, but now this is Asia's highest altitude bridge, and this connects the rest of the Spiti Valley with the village of Chicham. ऐसा सुनने में आता है कि ये चिचम ब्रिज बनने में 15 साल लग गए थे, और अभी उस पार जो ग्रीन पैच दिख रहा है वहीं पे था चिचम विलेज। सो प्रीवियसली व्हेन द ब्रिज वाज नॉट देयर, दे यूज्ड टू यूज अ पुली सिस्टम टू गो फ्रॉम वन हिल टू अनदर, बट नाउ सिंस द ब्रिज इज देयर, इट्स इजियर फॉर द पीपल ऑफ द चिचम विलेज। ब्रिज के नीचे 1000 feet डीप एक गॉर्ज है, और उसके नीचे से बह रहा है सांबा लांबा नाला। अलोंग विद द स्टैगरिंग हाइट एंड ऑल्टीट्यूड, ये ब्रिज काफी लंबा भी है, और बहुत ही तेज हवा चल रहा है यहाँ पे। यहां से नीचे दिख रहा है सांबा लांबा नाला। और अभी चिचम ब्रिज को पीछे छोड़ के हम जा रहे टुवर्ड्स किब्बर विलेज।
जो चिचम ब्रिज का इसी साइड में है जिस साइड से हम आए थे। किब्बर विलेज का हाइट है अराउंड 14,010 feet और आप अभी देख ही सकते हो कि हम एंटर कर रहे हैं किब्बर विलेज। और ये विलेज काफी बड़ा है कंपेयर टू द विलेजेस वी वेंट टू इन द प्रीवियस एपिसोड। हिक्किम, कॉमिक और लांगजा में हार्डली देर वेर 12 or 13 houses बट ये काफी बड़ा विलेज है ये किब्बर विलेज। और इसी किब्बर विलेज के अराउंड ये जगह को किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। वी मेड अनदर हॉल्ट एट द किब्बर विलेज सो वी स्टॉप्ड एट अ हाई पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंटायर विलेज इज विजिबल। This place is also extremely windy and if you are lucky enough on a good day you can spot one or two Siberian ibex from here। और अभी यहाँ किब्बर विलेज से निकल के हम नेक्स्ट जाएंगे towards the Key Monastery। मॉनेस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉनेस्ट्रीज इन द एंटायर स्पीति वैली और यहाँ पे ये सीरी लेके भी आप चल के की मॉनेस्ट्री तक जा सकते हो वरना गाड़ी भी डायरेक्टली जाता है टू द पार्किंग ऑफ की मॉनेस्ट्री बट उसके बाद आपको थोड़ा सा तो उठना ही है। दूर से की मॉनेस्ट्री देख के लगता है कि छोटे छोटे घरों का एक अलग ही पहाड़ है खुद का एंड इफ यू कैन सी दैट पूरा एक छोटा सा हिल लॉक में ये पूरा मॉनेस्ट्री बना है। सो एट दिस मोमेंट आई हैव रीच्ड द की मॉनेस्ट्री द विजुअल्स फ्रॉम द रोड वाज रियली ग्रेट एंड नाउ आई विल बी क्लाइंबिंग अप टू द टॉप ऑफ द मॉनेस्ट्री टू चेक इन। Rest of the people from our group are really not in the space to climb so much. So only few of us are climbing. कुछ दूर चलने के बाद आपको सामने दिखेगा मॉनेस्ट्री का ये गेट। ये मॉनेस्ट्री लगता है अपने आप में एक अलग सा शहर ही है बिकॉज यहाँ पे स्कूल्स है यहाँ पे डॉर्म्स भी है। अगर आपको आके फ्री में रुकना है तो आप कुछ मेंटेनेंस चार्ज देके फ्री में मॉनेस्ट्री के रूम्स में रुक सकते हो। इस मॉनेस्ट्री में फ्री में लंच भी मिलता है अलोंग विद द मॉन्क्स तो आप अगर मॉन्क्स के साथ बैठ जाओ तो आपको यहाँ पे लंच भी सर्व किया जाएगा मॉनेस्ट्री में ही। सो फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल बट इट कंटेन्स a shrine of the 18th lama inside this temple and in the other one there is a statue of the Maitreya Buddha which they believed to be the future Buddha that is the form they believe in so these are the two things present here at Key Monastery। मॉनेस्ट्री के अंदर तक आने के लिए आपको पहले बाहर जूता खोल के रखना है और उसके अंदर बहुत ही नैरो सा सीढ़ी है जिससे आपको 2-3 levels ऊपर आना है और उसके ऊपर आके आपको ये मेन मंदिर दिखेगा और नीचे है न्यू प्रेयर हॉल जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द प्रेयर्स होता है। और इसी के साथ हमारा की मॉनेस्ट्री देखना भी कंप्लीट हुआ। अभी हम लौट रहे हैं टुवर्ड्स काजा। की मॉनेस्ट्री से काजा बस 15 kilometers दूर है और अभी हमें होटल लौट के पहले करना है लंच। उसके बाद एक बढ़िया सा सनसेट देखते देखते शाम होगा और हमें देखना है काजा का क्लियर ब्लू स्काई से मिल्की वे गैलेक्सी। और आपसे फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द बेस्ट ऑफ प्लेसेस बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम जा रहे हैं
टू कुंजुम पास एंड चंद्रताल. सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू सून. बाय बाय.